जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कीम डिस्कस करने वाले हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। अब ये स्कीम बेसिकली क्या है, ये किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए ये जो वीडियो है ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं तो जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल t.me/mayurmogre इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। और बाकी की जो लिंक है वो सब डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और ये जो टॉपिक है हमारे GS पेपर 3 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसका ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, उसी के साथ साथ जो इशू है बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। इसीलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ये लाने की तैयारी कर रही है। अब इस स्कीम से जो बेनिफिशियरीज है, जो पीडीएस शॉप से परचेस करते हैं राशन, और खासकर जो माइग्रेंट वर्कर्स है, उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। अब किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा वो समझने से पहले हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये बेसिकली क्या होती है ये समझना पड़ेगा। अब देखिए, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पर जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अफोर्डेबल प्राइजेस पर। और उसी तरीके से जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें जो फूड ग्रेन्स है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गरीब इंसान है जो बाहर अगर गेहूं है वो 20-30 रुपए किलो अगर बेचे जा रहे हैं, वो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो क्या वो भूखा रहेगा? इसीलिए यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाई जाती है जिसके तहत वो जो गरीब इंसान है वो इन शॉप से सब्सिडाइज प्राइस में जो फूड ग्रेन्स है वो परचेस कर सकता है और अपना पेट अच्छी तरीके से भर सकता है। तो ये जो पीडीएस सिस्टम है किस तरीके से काम करती है, अब देखिए, जो फार्मर्स है वहाँ से फूड ग्रेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, फिर ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के पास, फिर गोडाउंस में, फिर फेयर प्राइस शॉप में, उसके बाद फिर जो बेनिफिशियरी है उसे सब्सिडाइज प्राइस में जो फूड ग्रेन्स है वो मिलते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो ये शॉप होती है पीडीएस शॉप, और वहाँ पर जो भी लोग हैं जिन्हें सब्सिडाइज प्राइस में फूड ग्रेन्स चाहिए वो जाते हैं और फिर वहाँ से कलेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो भी बेनिफिशियरी होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो एक दुकान से बंद जाते हैं, क्योंकि ये जो राशन कार्ड है वो एक डिस्ट्रिक्ट में चलता है। इसका मतलब है कि अगर ये जो इंसान है ये दूसरे स्टेट में जाते हैं तो फिर वहाँ पर वो किस तरीके से परचेस कर पाएंगे, वहाँ काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये सब्सिडाइज प्राइस पर फूड ग्रेन्स परचेस करना पीडीएस शॉप से। तो इसी के चलते यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लाई जा रही है। अब ये स्कीम बेसिकली क्या है, तो ये स्कीम प्रोवाइड करती है बेनिफिशियरी को फ्रीडम कि आप कहीं पर भी जाइए, आप दूसरे स्टेट में जाइए, आप भारत में कहीं पर भी जाइए, आप किसी भी पीडीएस शॉप से जो राशन है वो ले सकते हो। मतलब इसमें क्या होता है, जो लोग हैं जो राशन खरीदते हैं उनकी जो डिपेंडेंसी है शॉप ओनर पर वो कम हो जाती है, और उसी के साथ जो करप्शन है वो भी यहाँ पर कर्टेल हो सकता है। अब करप्शन किस तरीके से कर्टेल होगा, अब देखिए बहुत लंबी लाइन होती है, अब उसमें जो पीडीएस शॉप के जो ओनर्स हैं वो क्या कहेंगे कि आपको मुझे 3 गुना पैसा देना पड़ेगा तब जाकर आपको जो राशन है वो मैं दूंगा, नहीं तो कोई और जो आपके लाइन में पीछे खड़ा है उसे वो मिल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अब लोग क्या कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है मत दो, हम दूसरे शॉप से जाकर ले लेंगे, अच्छा ठीक है मत दो, हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो शॉप है वहाँ से जाकर ले लेंगे, अच्छा ठीक है मत दो, हम दूसरे स्टेट में जो शॉप है वहाँ से जाकर ले लेंगे, अब हम आप पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपको 3 गुना पैसा जो है वो हमको नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो डिपेंडेंसी है शॉप ओनर्स पर, उसी तरीके से जो करप्शन है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। अब देखिए, भारत में बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं, मतलब कोई एक स्टेट में रह रहा है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के वजह से वो दूसरे स्टेट में माइग्रेट हो जाते हैं। अब ऐसा अगर कोई इंसान है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट हो रहा है, या ऐसी कोई फैमिली है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट हो रही है काम के वजह से या किसी भी वजह से, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर वन नेशन वन कार्ड स्कीम लाई जाती है तो उसमें अगर कोई दिल्ली से भी बिलोंग करता है तो उसे भी यहाँ पर स्वैग से स्वागत किया जाएगा, और फिर उसे भी यहाँ पर जो पीडीएस सिस्टम के थ्रू राशन जो है वो दिया जाएगा। मतलब बिगेस्ट बेनिफिशियरी इस स्कीम के कौन रहने वाले हैं,
तो जो माइग्रेंट वर्कर्स है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में, तो उन्हें भी उस स्टेट में जो राशन है वो मिल जाएगा उस शॉप से, मतलब उस स्टेट के शॉप से। अब देखिए इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो POS मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ये काफ़ी सारे PDS शॉप पे ऑलरेडी अवेलेबल है अलग अलग स्टेट के, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और बाकी के भी स्टेट्स। लेकिन जो POS मशीन्स है ये हमें 100% अवेलेबिलिटी इसकी लानी पड़ेगी, तब जाकर ये जो स्कीम हम लाएंगे इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। अब देखिए इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन से मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व होगी। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये इम्प्लीमेंट करेगी इस स्कीम को। तो देखिए एग्जाम परस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन इसे इम्प्लीमेंट करने वाला है। उसी के साथ साथ जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS है वो भी सब्स्यूम कर लेगी इसे, जिससे कि जो बेनिफिशियरी है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जो फूड ग्रेन्स है वो अवेल कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, वो खरीद सकते हैं सब्सिडाइज प्राइस पर। अब देखिए क्या ऐसी स्कीम किसी स्टेट में चल रही है, ऑपरेशनल है? तो जी हाँ, ऐसी जो स्कीम है आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, कर्नाटका हो, केरला हो, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, ये स्टेट्स में अभी ऑपरेशनल है। और जब ये स्कीम पूरे भारत में ऑपरेशनल हो जाएगी तो जितने भी स्टेट्स हैं उनमें जितने भी लोग हैं वो सब कहीं पर भी किसी भी कोने में हो भारत के ये स्कीम अवेल कर सकते हैं। अब देखिए स्कीम का इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है। तो देखिए जो PDS फेयर प्राइस शॉप्स है ये लाइफलाइन है 81 करोड़ बेनिफिशियरीज के लिए अक्रॉस इंडिया। अब अगर हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देखते हैं, CWC देखते हैं, SWCs देखते हैं या प्राइवेट गोडाउन्स देखते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फूड ग्रेन्स एनुअली, तो वहाँ पर 612 लाख टन फूड ग्रेन जो है वो स्टोर किया गया है। उसी तरीके से 78% जो फेयर प्राइस शॉप्स है भारत में वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक POS डिवाइसेस जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। तो इसीलिए अगर ये स्कीम लाई जाती है, अगर ये स्कीम लागू की जाती है तो बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा मिल सकता है। मगर अभी भी ये स्कीम को लागू करने में काफ़ी वक्त लग सकता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छी स्कीम हो सकती है अगर ये लागू प्रॉपर तरीके से हो जाए तो। इससे करप्शन भी कम हो सकता है और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस स्कीम के बारे में क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि ये स्कीम कितनी बेनिफिशियल हो सकती है, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।